हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। रोज़ रोज़ दाल जब मन ना करे खाए को तो कभी कभी आलू और टमाटर की दाल जैसी सब्जी बनाकर खाई खाजिए। ये देखिए रेसिपी। मैंने आलू को अच्छी तरह धोकर उबाल लिए हैं 2 सीटी में। इसके लिए टमाटर कटे हुए चाहिए, कटे हुए प्याज, हरी मिर्च, लहसुन और अदरक। तो गैस पर मैंने कढ़ाई को गैस पर रख दिया है। अब इसमें सरसों तेल डालेंगे, थोड़ा सा जीरा डाल देंगे। में आधा, हाँ दोस्तों, ये सब को कद्दूकस हम कर कर तेल में डाल देंगे। ये देखिए मैं कद्दूकस कर कर डाल रही हूँ। ये देखिए लहसुन, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट है। अब इसमें प्याज डाल कर भूनेंगे। 2-3 मिनट प्याज भी जाएगा, उसके बाद इसमें आलू डाल देंगे। तब तक प्याज मेरा भुना रहे तब तक हम आलू को ऐसे मैश कर लेंगे ताकि इसका ग्रेवी गाढ़ा हो जाएगा और खाने में भी अच्छा लगेगा। ये देखिए दोस्तों, मेरा आलू मैश हो चुका है और प्याज भी हल्का भुना डाल देंगे इसको। ये देखिए प्याज हल्की भुना चुकी है, अब इसमें हम आलू को डाल देंगे और 5 मिनट तक इसको भुनेंगे और तब इसमें टमाटर जाएगा। 5 मिनट हो चुके हैं, आलू हल्का भुना चुका है, अब इसमें टमाटर सारा डाल देंगे और इसको भी 5 मिनट तक भुनेंगे ताकि टमाटर और ये गल जाए दोनों अच्छी तरह। अब इसमें हल्दी नमक डाल देंगे। हाँ दोस्तों, इसमें मसाले डालने के लिए जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक और हल्दी, ये सारे मसाले को हम इस सब्जी में डाल देंगे और 5 मिनट तक ये सबको भूनेंगे। थोड़ा इसको भूनने के लिए हल्का पानी डाल देंगे। देखिए अब इसे 5 मिनट तक हम भून कर इसमें 1 कटोरी पानी डालकर ढक देंगे ताकि इसका मसाला कच्चा ना लगे। 5 मिनट तक ये भुनाएगा। ये देखिए दोस्तों, आलू और टमाटर 5 मिनट तक पक चुके हैं, भुना चुके हैं इसके सारे मसाले। अब इसमें 2 कटोरी पानी डाल देंगे। अब इसे 10 मिनट बाद पकने देंगे और इसका ग्रेवी गाढ़ा हो जाएगा तब हम इसे गैस बंद कर देंगे। ये सब भी खाने लायक हो जाएगा। हाँ दोस्तों, 10 मिनट सब्जी के हो चुके हैं। ये देखिए इसका ग्रेवी गाढ़ा हो चुका है। अब ये चावल, रोटी किसी के साथ हम इसे सर्व कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। गुड, ठीक है।